वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लेंगे, उसके बाद लाइव क्लास में आएंगे। तो एक मिनट का समय है, सबसे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस फटाफट बनाइए और इसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का नया चैप्टर है चैप्टर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मतलब पदार्थों का पृथककरण, ठीक है। पदार्थों को अलग अलग श्रेणी में बांटना, उसे कैटेगरी में डिवाइड करना, इट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, ठीक है, यानी भोजन के जो विभिन्न अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जो घटक होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो कहता है टू मेंटेन गुड हेल्थ इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अगर हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो इसके लिए हमें अपने खाने की आदतों में सुधार लाना होगा, उसमें बदलाव करने की जरूरत है। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द फूड इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एनी अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस। और ऐसा तभी हो सकता है जब भोजन पूरी तरह से स्वच्छ हो, जर्म फ्री हो और इसमें कोई भी अनडिजायर्ड सब्सटेंस नहीं हो, लाइक जंक फूड या जितने भी ऑयली फूड्स होते हैं, इन सबको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो कहता है मोहन वॉज डिस्कसिंग द मैटर ऑफ फूड प्रोडक्शन विद राजू। देखिए यहाँ कह रहा है कि मोहन जो है अपने दोस्त राजू के साथ कुछ डिफरेंट मैटर ऑफ फूड के प्रोडक्शन के बारे में वो चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो देवर कीन टू नो हाउ द ग्रेन्स आर क्लीन बिफोर बींग टेकन टू द मार्केट्स। तो वो ये जानने का बहुत ही इच्छुक है कि आखिर बाजार में आने से पहले कोई भी खाद्य पदार्थ जो है किस प्रकार से इसको जो है क्लीन किया जाता है, इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो इस चीज को जानने के लिए वो काफी ज्यादा उत्सुक है। कहता है दे वांडर्ड हाउ द ग्रेन्स वर क्लीन, और वो काफी आश्चर्यचकित हुआ यह सुन करके कि किस प्रकार से ग्रेन्स को, अनाज को जो है क्लीन किया गया। एंड हु डिड ऑल द क्लीनिंग, और किसके द्वारा यह प्रोसेस किया गया, वो काफी शॉक था। जस्ट देन मोहन्स ग्रैंडफादर इंटरवेंट एंड आंसर ऑल देयर क्वेश्चंस। और तभी जो है मोहन के जो ग्रैंडफादर हैं वो कमरे में आते हैं और फिर वे सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुन करके फिर उसके आंसर्स वो धीरे धीरे करके एक एक करके देना शुरू करते हैं। कहता है मोहन्स ग्रैंडफादर यूज्ड टू विजिट हिज नेटिव विलेज फ्रिक्वेंटली एंड हैड ऑब्जर्व द फार्मिंग प्रैक्टिसेस वेरी क्लोजली। तो इसके लिए मोहन ने अपने दादाजी के साथ अपने नेटिव विलेज आना उचित समझा, ताकि वह वहाँ आकर के अपने आँखों से वहाँ के जो प्रोसेस हैं, जो प्रोसीजर है, जो खेती करने का जो तौर तरीका है, इन सब चीज़ों को अपने आँखों से देख सके। कहता है मोहन एंड राजू वांटेड टू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर द होल एग्रीकल्चरल प्रोसेस एंड कंप्लीटेड बाय फार्मर्स आफ्टर द हार्वेस्टिंग। तो मोहन और राजू जो थे वे ये जानना चाहते थे कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द होल एग्रीकल्चरल प्रोसेस वाज कंप्लीटेड बाय फार्मर्स आफ्टर द हार्वेस्टिंग। मतलब हार्वेस्टिंग करने के बाद, फसलों की कटाई करने के बाद, आखिर किसान जो है वो कौन सा प्रोसीजर है जिसके द्वारा वो अनाज को स्टोर करते हैं, जिसके द्वारा वो अनाज की सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर उसे मार्केट तक पहुंचाते हैं, तो ये जानना वो चाह रहे हैं। कहते हैं ग्रैंडफादर टोल्ड देम, उसके ग्रैंडफादर ने उसे कहा कि इट्स अ लेंथी प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ लेसंस। तो उसके दादा ने कहा कि ये थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है, जो लंबे समय तक चलने वाली यह प्रक्रिया है और इसमें जो है थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस यानी धैर्य की जरूरत भी होती है। कहता है स्किल एंड स्टेमिना, इसमें किसानों को काफ़ी ज़्यादा मतलब कुशल भी बनना पड़ता है और थोड़ी सी स्टेमिना मतलब उनमें कुछ क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन में मौसम के मार से हो, चाहे बारिश के मार से हो, मतलब इन सब से वो
लड़ सके, तो उनमें ये सभी स्टेमिना होनी चाहिए। ओनली दे आर क्लीन फूड ग्रेन्स अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस इन मार्केट। कहता है कि जो क्लीन फूड ग्रेन्स होते हैं सिर्फ वही मार्केट तक पहुंचता है और वही हम लोग परचेज करते हैं, वही हम लोग खाते हैं। कहता है इट स्टार्ट विद थ्रेसिंग, थ्रेसिंग सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम द हस्क। तो जब हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है इसके पश्चात थ्रेसिंग प्रोसेस होता है जिसमें एक मशीन होता है थ्रेशर, इसमें स्टॉक को डाला जाता है जिसमें ग्रेन्स होते हैं, फिर उसमें से वो हस्क और वो ग्रेन दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कहते हैं सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। मतलब सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे पदार्थ जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के अणु या परमाणुओं से मिलकर के बने हों उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, यानी शुद्ध पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, जितने भी एलिमेंट्स हैं जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सभी प्योर सब्सटेंसेस हैं, शुद्ध हैं, क्योंकि इनको कितना भी ब्रेक किया जाए तो हमें एक ही सिमिलर एटम्स या सिमिलर एलिमेंट्स प्राप्त होंगे। बट मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस आर मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, लेकिन हमारे आसपास कई ऐसे पदार्थ हैं जो डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंट मिक्सचर से मिलकर के बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, जैसे उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं जैसे हवा है, तो हवा में कई प्रकार के गैसेस हैं, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें हीलियम है, कई प्रकार के गैसेस इसके अंदर मौजूद हैं। अब देखिए कहता है एक्टिविटी है कलेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। सबसे पहले आपको कुछ छोटी छोटी मात्रा में कुछ पदार्थों को कलेक्ट करना होगा, जमा करना होगा, ठीक है। जैसे व्हीट ग्रेन्स, राइस ग्रेन्स, सॉल्ट, सुगर, टी लीव्स, स्टोन्स, आपको ये सब पहले कलेक्ट करना है, जमा करना है। अब कहता है कि ऑब्जर्व थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड नोट इफ दे कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, कॉल इट अ मिक्सचर इफ देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, अदरवाइज इट कैन बी कॉल्ड प्योर। देखिए कहता है कि आपको इसमें एक लेंस की मदद से आपको ये देखना है कि इसमें अगर एक ही प्रकार के पदार्थ हैं तो वो प्योर सब्सटेंस होंगे, अगर वो नहीं है तो वो मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये पता करना है, इस ऑब्जर्वेशन में आपको जो लिखना है कि डज इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस और मोर, ठीक है। तो अगर एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे तो उसमें लिखना है वन टाइप, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो मोर देन वन, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, और वही मिक्सचर और प्योर में बता दिए कि अगर वो मिक्सचर होगा यानी कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे तो मिक्सचर होगा, और एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे तो वो प्योर सब्सटेंस होगा। तो दो कॉल्यूम दिया गया है, दोनों ही कॉल्यूम आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कहता है कि अलोंग विद दिस गैसेस वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। देखिए हमारे पर्यावरण में जो हवा है इसमें सिर्फ गैसेस ही नहीं, इसके अलावा वाटर वेपर यानी जलवाष्प, डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल कण, स्मोक धुआं, ये सब भी प्रेजेंट है, उपस्थित है। सिमिलरली टैप वाटर इज अ मिक्सचर एज इट कंटेन्स मैनी डिजॉल्व सॉल्ट्स। कहता है कि जो हम लोग पानी यूज करते हैं, जो नल वगैरह से जो निकाल के पीते हैं, तो नल से जो निकाला हुआ जल है एक्चुअली इसमें भी मिक्सचर है, इसमें भी आयरन हो सकते हैं, इसमें भी आर्सेनिक हो सकते हैं, इसमें भी कह तो सॉल्ट की मात्रा हो सकती है। तो हम ये कहते हैं कि यह भी एक मिक्सचर है, क्योंकि जब तक उसे फिल्टर नहीं किया गया टैप वाटर को, तब तक उसके सारे मिनरल्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसमें सारे मिक्सचर मतलब कि मिनरल्स उसमें उपस्थित हैं, तो हम इसे कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ठीक है। अब बढ़ते आगे, कहता है दस अ मिक्सचर में कंटेन टू और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस और कंस्टिट्यूएंट्स। जो मिक्सचर होते हैं उसमें दो या दो से ज्यादा प्रकार के कंस्टिट्यूएंट्स उपस्थित होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द कंस्टिट्यूएंट्स आर स्प्रेड, मतलब कि कंस्टिट्यूएंट्स मतलब उसमें क्या है नहीं है, तो कंस्टिट्यूएंट्स की मौजूदगी के आधार पर ए मिक्सचर कैन बी क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज एज अ होमोजेनस एंड हेटरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस यानी समांगी मिश्रण, हेटरोजेनस यानी मिश्रण।
पांच दिन इसमें, ठीक है। अपना जो होता है व्यक्तिगत जो भी इनका अपना गुण है
उसमें कोई बदलाव नहीं। ठीक है, जैसे मैंने सॉल्ट और सैंड के बारे में मैंने कहा कि सॉल्ट और सैंड का जो मिक्सचर होता है तो सॉल्ट का टेस्ट और सैंड का टेस्ट दोनों डिफरेंट होता है। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। और जो इसका आखिरी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। जितने भी मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसे हम कुछ आसान पारंपरिक तकनीकों के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, घर में जब चावल हम पकाने के लिए जब उसको तैयार कर रहे होते हैं तो उससे पहले चावल से हम कंकर को सेपरेट करते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे पेबल्स या स्टोन्स होते हैं उसे हम अलग करते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये तो ट्रेडिशनल है कि हम हाथ से इसको हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुन के हम कंकर को अलग करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है यह भी एक प्रकार का फिजिकल मेथड हम कह सकते हैं कि हम आसान कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि चावल और कंकर यह भी एक प्रकार का मिश्रण है और ये हेटरोजीनस है, होमोजीनस नहीं हो सकता है। तो ये हेटरोजीनस मिक्सचर्स को हमने सेपरेट किया। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा अभी आप कुछ और तकनीकों के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा हम किसी भी मिक्सचर्स को अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स अलग अलग पार्टिकल्स में सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, तो सेपरेशन पढ़ने से पहले हम एक चीज जान लें आखिर इसकी जरूरत क्यों। देखिए कहते हैं यू मस्ट बी वॉन्डरिंग दैट इफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस आर क्वाइट यूजफुल इन द फॉर्म एज द एग्जिस्टिंग देन व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट देम। हमारे प्रकृति में आसपास के क्षेत्रों में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं अगर हम कहें तो उसे हम आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु इसके बावजूद भी हमें उसे सेपरेट करने की आवश्यकता क्यों होती है, ये सवाल कहता है। द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट्स इज एट टाइम नेसेसरी फॉर द रीजन लिस्टेड बिलो। देखिए सेपरेशन जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है, जरूरी हो जाता है, और इसके जो कुछ प्रमुख कारण हैं हम सेपरेट क्यों करते हैं किसी सब्सटेंस का, तो ये अभी हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर समझेंगे। जैसे सबसे पहले कहा गया टू रिमूव द इम्प्योरिटीज दैट मे बी हार्मफुल, सबसे पहले हम अशुद्धियों को दूर करने के लिए सेपरेशन करना जरूरी समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर योर मदर रिमूव्स ए स्टोन फ्रॉम दाल या राइस बिफोर कुकिंग देम एज दे आर हार्मफुल फॉर योर बॉडी। मतलब जब घर में माँ खाना पकाती है तो आपने देखा होगा अक्सर कि वो चावल या दाल से कंकर वगैरह चुन के अलग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम खाने में कंकर नहीं खा सकते हैं। ठीक है, हम ये कतई नहीं कर सकते हैं, और अगर हम खा भी लें तो शायद हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसीलिए ऐसा करना जरूरी होता है, उसे अलग करना जरूरी होता है। तो ये तो पहला रीज़न था। अब दूसरा रीज़न है टू गेट यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स, फॉर एग्जाम्पल वेरियस यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स लाइक पेट्रोल, वैसलीन, वैक्स, केरोसिन एटसेट्रा। मान लीजिए कि पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल कच्चे तेल को जब निकाला गया क्या उसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसे यूज करने से पहले इसका जो है हम फर्नेस में सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन करने से क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल होते हैं इससे हमें अलग अलग जो है सेपरेट पर पेट्रोल, सेपरेटली केरोसिन ऑयल, इसके बाद डीजल, इसके बाद वैसलीन, इसके बाद वैक्स, बहुत सारे ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है सेपरेशन का। इसके बाद कहता है टू रिकवर प्योर सब्सटेंसेस ताकि इससे हम शुद्ध पदार्थ को प्राप्त कर सकें, इसके लिए भी सेपरेशन जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर में कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज लाइक ग्रेनियस ऑफ सी एंड नमक, जैसे समुद्र से निकाला जाने वाला नमक लवण अगर इसे हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो इसमें ढेर सारे अमृत जीवों के अंश या अवशेष हो सकते हैं। तो इसे दूर करने के लिए भी सॉल्ट को हम सेपरेट करते हैं, उसे फैक्ट्री में ले जा करके उसका प्योरीफिकेशन किया जाता है, और फाइनली जो हमारे घर तक जो सॉल्ट आता है वो फुल्ली आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है और वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का जो क्लास था आज हम लोगों ने इसमें नीड फॉर सेपरेशन पढ़ लिया, और कल जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें हम लोग मैथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज यानी कि किसी भी पदार्थ को सेपरेट करने की जो अलग अलग तकनीक हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बने रहें हमारे साथ।